हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टैली ईआरपी 9 सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। प्राइम में भी प्रोसेस सेम है, ये बताना चाहता हूं आपको। और अब हम बात करेंगे नेगेटिव कैश की एडजस्टमेंट एंट्री की। आप जानते हैं नेगेटिव कैश से आपकी जॉब जा सकती है, आपकी जॉब जो लगी हुई है ऑडिट हो रहा है, ऑडिट में अगर पकड़ में आया तो जो ओनर है आपका वो उसके दिमाग में क्या आएगा कि ये लड़का सही नहीं है, कहीं ना कहीं गलती कर रहा है, तो इस तरह से आपकी जॉब चली जाएगी। तो इसका सलूशन क्या है, अगर नेगेटिव कैश हो गया है तो इसका सलूशन क्या देना है, आइए आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखिए कंपनी हमारे पास ये बनी हुई है, ठीक है, ये देख सकते हैं इंडिया मार्ट नाम से कंपनी बनाई है, कोई भी वाउचर एंट्री पास नहीं की है। अभी आप करते क्या है ये बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप वी बटन प्रेस करके वाउचर में आ जाते हैं, ठीक है, ये वाउचर ऑलरेडी यहाँ पे आ रहा है, परचेज वाउचर में आ गए, आइटम इनवॉइस मोड में है, हमारे पास कुछ आइटम आए हुए हैं जिनकी एंट्री हमको पास करनी है अपने यहाँ, ठीक है, कुछ सामान हमने मंगाया है सेल करने के लिए, तो उनकी एंट्री हमें पास करनी है, तो परचेज में एंट्री करते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पर आए और यहाँ पर डेट चेंज कर लेंगे F2 प्रेस करके, यहाँ से आए, यहाँ से मैं कर देता हूँ 2/5/2022, ये कर दिया हमने, एंटर किया, यहाँ पर डेट चेंज हो गई है, यहाँ पर डेट नहीं चेंज हुई है, तो यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं 2/5/2022, ठीक है, वैसे डेट आपकी एक्चुअल में चेंज हो गई है। यहाँ पर कोई भी क्रेडिटर पार्टी नहीं है हमारे पास, तो यहाँ क्रेडिटर पार्टी का लेज़र बनाते हैं, लाइक लोकेश लिख देता हूँ, लोकेश PVT LTD ये नाम दे दिया हमने, और ये हमारी क्रेडिटर पार्टी है, ठीक है। यहाँ पर आए, यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप क्या चूज़ करेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप चूज़ करेंगे, तो ये सन्ड्री क्रेडिटर चूज़ कर दिया। मेंटेन बिल वाइज डिटेल इसको एक्टिवेट रखिए, ठीक है, यहाँ से इसको एक्सेप्ट करा लीजिए, एंटर करते हुए इसको भी एक्सेप्ट करा लीजिए। ध्यान रखिएगा कि ये सेम स्टेट की पार्टी है जो हमने बनाया है कंपनी, वो भी उत्तर प्रदेश की है और ये पार्टी भी हमारी उत्तर प्रदेश की है, ठीक है। अब यहाँ पर परचेज अकाउंट का लेज़र लगा लेते हैं, तो ऑल्ट सी प्रेस करके लिखेंगे परचेज और A/C करेंगे यानी अकाउंट, तो आप देख पाएंगे कि ये परचेज अकाउंट हो गया। यहाँ पे P प्रेस करके यानी इसे परचेज अकाउंट के ग्रुप में डाल देंगे, तो बस ये परचेज अकाउंट का ग्रुप हमने लगा दिया है और इसको एक्सेप्ट कराते हैं, तो यहाँ परचेज अकाउंट भी हो गया, ठीक है। अब कुछ परचेजिंग कर लेते हैं, क्या परचेजिंग करेंगे, क्या आइटम हम परचेज करने जा रहे हैं, आइए बताता हूँ। तो यहाँ पे Alt C प्रेस करता हूँ और यहाँ पर हम परचेज करेंगे शुगर, ठीक है, ये परचेज कर लिया शुगर, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, यहाँ पे यूनिट बनाना कंपलसरी है, तो Alt C करके यूनिट बना लीजिए, केजी कर दिया क्योंकि चीनी बिकेगा तो किलो में बिकेगा, यहाँ पे लिख देते हैं किलोग्राम, ये लिख दिया कुछ इस तरीके से, एंटर प्रेस किया, यहाँ पे 3 कर देते हैं, एंटर करते हैं, एक्सेप्ट कराते हैं इसको, ये एक्सेप्ट कराया, यहाँ पर इसको एक्सेप्ट करा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये लोकेशन ओपन हो गया, इसे हम गोडाउन के भी नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे कौन से लोकेशन में इसे डालेंगे, तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, फिलहाल मैं इसे मेन लोकेशन में ही रख देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए 60 किलो चीनी हम परचेस कर रहे हैं, 1 किलो चीनी की कीमत हमें पड़ रही है खरीद रेट 40 रुपये, तो ये हो गया 60 किलो चीनी यहाँ पे हमने परचेस किया। अब इसके बाद मान लीजिए राइस भी परचेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा मैंने RICE राइस, कुछ इस तरीके से ये राइस लिख दिया, एंटर किया, एंटर किया, यहाँ पे ये भी केजी में ही रहेगा, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे अभी इसको भी मेन लोकेशन ही हम रखेंगे, एंटर किया, यहाँ पे 1500 किलो, यहाँ पे 1500 किलो कर देते हैं, तो ये 1500 किलो हो गया, ठीक है। और रेट क्या डालेंगे, रेट डालेंगे 30 रुपये परचेजिंग रेट, ओके, तो ये हो गया, यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमने कर दिया है। अब इसको हम एक्सेप्ट कराते हैं, यहाँ पे नरेशन डाल सकते हैं, द गुड्स, ये देखिए नरेशन मैं डाल रहा हूँ, हैव बीन परचेज्ड ऑन क्रेडिट, क्योंकि ये उधार में परचेज किया गया है, तो इसके लिए मैं लिख रहा हूँ ऑन क्रेडिट, ठीक है, ऑन क्रेडिट का मतलब है कि उधार में ये परचेजिंग हुई है, तो इसको लिख करके एक्सेप्ट करा लीजिए, ये एक्सेप्ट हो गया। अब यहाँ से बाहर आ जाइए, यहाँ पे 2 बार डी प्रेस कीजिए, देखिए यही एंट्री आपको दिख रही है, दिख रही है ना। अब इसका हमने उधारी में परचेजिंग किया है तो इसका पेमेंट भी तो देना होगा, डेट चेंज करने के लिए क्या करते हैं, डेट चेंज करने के लिए F2 प्रेस करते हैं, तो आई एम गोइंग टू प्रेस हियर F2, ठीक है। F2 प्रेस करने के बाद मान लीजिए 1/7/2022 में हम इनको पैसा देंगे, तो 1/7/2022 यहाँ डेट चेंज कर लिया हमने F, अब फिर आ गए कहाँ, पेमेंट वाउचर में, F5 प्रेस करके आ जाइए पेमेंट वाउचर में, पेमेंट वाउचर में ही हमें पेमेंट करने की एंट्री करनी है। ये हमें सिंगल एंट्री मोड दिखा रहा है, हालांकि सिंगल एंट्री मोड में भी एंट्री पॉसिबल है, लेकिन अभी हम इसको डबल एंट्री मोड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है, यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कंट्रा, तो हमें नहीं करना सिंगल एंट्री मोड भाई, हमें डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में एंट्री पास करनी है, तो ये यस करके और यहाँ से कंट्रोल ए कर दीजिए, देखिए डेबिट आने लगा है। तो डेबिट किसको करेंगे, लोकेश, जो हमारी पार्टी है उसी को डेबिट करेंगे, 47,400 रुपये बकाया है, तो ये 47,400
45,400 बकाया है तो ये दे दिया। अब यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस पे कर्सर अपने आप आ जाता है, आ गया ना। अब यहाँ पे एंटर करिए। ये कैश में हम देंगे कैसे देंगे ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अभी क्या करना है, अभी सिंपल वे में यहाँ पर डेबिट आ रहा है तो यहाँ CR टाइप कर दीजिए कीबोर्ड से, डेबिट आने लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कैश कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर रेड में ही आ गया, देख सकते हैं। ये सीधा सीधा सिंबल है कि आपने जो एंट्री की आपके पास कैश नहीं है, आप ज़बरदस्ती केवल कागज़ पे पेमेंट कर रहे हैं, तो ये हो गया। अब देखिए नेगेटिव कैश का मैसेज आ गया। अब मान लीजिए आपने एक्सेप्ट भी करा दिया, अब इसकी एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करें, एडजस्ट कैसे करें इस कैश को, इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि बैक डेट में चले जाइए, बैक डेट में चले जाइए। तो यहां से डेट चेंज कर लेता हूं, यहां पर मैं कर देता हूं 1/5 या यहां पे कर देता हूं 1/6 कर देता हूं, 1/6/2022 कर दिया हमने, ठीक है। डेट चेंज हो गई। अब यहां पर रिसिप्ट वाउचर में आ जाइए, सीधा सीधा F6 प्रेस करके रिसिप्ट वाउचर में आ जाइए। क्रेडिट आ रहा है, क्या क्रेडिट होगा, कंपनी में इन्वेस्ट होने वाले पैसे या रुपए को कैपिटल बोलते हैं। तो यहाँ पे Alt+C करके कैपिटल अकाउंट का लेजर बना लीजिए, सीधा सीधा लिख दीजिए कैपिटल और यहाँ पे लिख दीजिए अकाउंट, ठीक है, हो गया। इसे डालेंगे अंडर कैपिटल अकाउंट के ग्रुप में, कैपिटल अकाउंट के ग्रुप में, ये कैपिटल अकाउंट हो गया। एंटर करेंगे एंटर करके इसको एक्सेप्ट करेंगे। कितना हमारा कैश बच रहा है, कितना सपोज कीजिए मैं 48,000 डाल देता हूँ, ठीक है, ये हो गया। यहां पर आएंगे, यहां पर ये कैश में डाल रहा हूं, अगर आपके बैंक में पैसा है तो आप बैंक का लेजर भी लगा सकते हैं, ठीक है, लगा दिया हमने। अब चलते हैं देखते हैं उसी एंट्री को जो हमने अभी पास किया था, ठीक है। तो ये तो हमारी रिसिप्ट वाली एंट्री है, यहां से मैं डेट को चेंज कर रहा हूं। ये देखिए यहां पर कर रहा हूं 1/4/2022 से लेकर यहां पर कर रहा हूं 1/10/2022, ये डेट मैंने चेंज कर लिया, फाइनेंशियल ईयर वाली डेट मैंने चेंज कर ली। अब देखिए यहां पर जो परचेज अकाउंट में जो वो रेड में आपको नहीं दिखाई देगा, ये तो परचेज की एंट्री हो गई, पेमेंट वाली एंट्री देखते हैं जो रेड में आ रही थी। देखिए अब ये जो एंट्री है अपने आप रेड हट गया है, यानी कि आपने उसको एडजस्ट कर दिया, बैक डेट में जाकर के पैसा डाल दिया तो कंपनी में पैसा हो गया आपके, ठीक है। कुल मिलाकर के 47,400 का पेमेंट था, आपने 48,000 रुपए डाल दिए, तो इसके वजह से आपका जो नेगेटिव कैश है वो मैनेज हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ कि बात आपके समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।